उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता की 99वीं जयंती के अवसर पर जिला परिषद रोड स्थित जिला परिषद सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन एवं वरिष्ठ अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित करके श्रद्धांजलि दी। जिसके संबंध में व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता का संगोष्ठी का कार्यक्रम जनपद में पहली बार हो रहा है। इस कार्यक्रम से वैश्य समाज को सीख लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज भाजपा का सदियों से अभिन्न अंग रहा है और अपनी कार्यकुशलता के अनुसार पार्टी के कार्य में लगा रहता है। वैश्य समाज के महान नेता स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता के 99वीं जयंती है, जो भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधाराओं से जुड़े हुए थे और समाज के उत्थान के लिए अनवरत प्रयास करते रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सुनील कुमार गुप्ता, व्यापारी रमेश चंद्र गुप्ता, सचिन गुप्ता, गौरव गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, शैलेश गुप्ता, अनिल अग्रहरी, रंजीत प्रधान, रामदयाल कसौधन, प्रभात गुप्ता, सूरज जायसवाल, गृजेश कुमार, विशाल गुप्ता, संजय कुमार, कृष्ण मुरारी गुप्ता, राहुल गुप्ता सहित अन्य वैश्य समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिकंदरपुर बलिया विधानसभा के डॉक्टर विजय नरंजन और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, ये हमारे मुख्य अतिथि लोग बैठे हुए हैं। मेरी एक दिली इच्छा है, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी इच्छा है, हम आग्रह करेंगे सिकंदर वर्मा पहलू के एडवोकेट से, श्री महेंद्र गुप्ता जी से, श्री गणेश दास जी से, श्री राम सोधन जी से, आप लोग बैठे आप सब लोग बारी बारी से अपने नेता करते हैं और वहाँ से धीरे धीरे सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। संसद के बीच में विराजमान व्यापारी कल्याण बोर्ड के निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पूरा पूर्वांचल जिन्हें अपने अभिभावक के रूप में देखता है और जानता भी है, हम सब के मार्गदर्शक गोरखपुर के वरिष्ठ सज्जन आदरणीय डीवी गुप्ता साहब, शिक्षा संघ के वरिष्ठ नेता और सामने के जिलाध्यक्ष हम लोग के बड़े भाई आदरणीय विशाल गुप्ता जी, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश गुप्ता जी, मदन अग्रहरी जी, आज उनकी 99वीं जयंती के अवसर पर निश्चित रूप से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, तो मुझे लगता है कि उनकी उम्र 76 वर्ष थी। जैसा जानकारी में हमें ऐसा भी मानना है कि एक अनुभवी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को आदरणीय राम प्रकाश गुप्ता जैसा मुख्यमंत्री मिला है। तंजय सिकंदा मिलाकर के उनके लिए काम करने का मौका नहीं मिला। हम उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में नहीं जान पाते थे, न जान पाए। उनके वेतन का भुगतान हो सके अगर अगर ये व्यवस्था किसी ने डाल दिया था, करता हूं उनका अभिनंदन करता हूं। आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मुझे लगता है इस कार्यक्रम का जो नींव आज रखी गई है, इसकी नींव मैं डॉक्टर विजय रंजन 359 विधानसभा सिकंदरपुर बलिया से, आज जो गोष्ठी आयोजन किया गया है श्री राम हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री राम प्रकाश गुप्त जी के जयंती पे ये गोष्ठी आयोजित किया गया है। श्री राम प्रकाश गुप्त जी उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री रहे तथा मध्य प्रदेश सरकार में राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन किया। इनकी राजनीतिक यात्रा की अगर बात करें तो इन्होंने शुरुआत जनसंघ में 1956 में संस्थापक सदस्यों के रूप में किया। इन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी से जनसंघ से अपने इस राजनीतिक दायरे को अपने मार्ग को चलाते रहे और इस अलंब तक पहुँचे। इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही
सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया गया एक वर्ष का कार्यकाल रहा, लेकिन उस कार्यकाल के दौरान इन्होंने जो भी कार्य किया बहुत ही उत्कृष्ट कार्य रहे, और आज मैं उनको उनके जयंती पर नमन करता हूँ और उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये हमारे पूर्व जो है मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश जी गुप्त, उनका 99वां जैन जयंती है और एक समाज में काफ़ी सेवा का कार्य उन्होंने किया, जनसंघ से भी जुटे हुए थे जमाने में और विभिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी में भी रह करके बहुत काम किया था, और कुछ दिनों के लिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ऐसे राम प्रकाश जी गुप्त का आज 99वां जन्म जयंती समारोह है, आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादें हम सबके बीच में ताजी हैं। एक बार बीच में वो गोरखपुर भी आए थे जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने रामगढ़ ताल वाले योजना में भी उनका काफ़ी योगदान था, और RKBK के पास हम लोग उस समय गए थे, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म वगैरह भी बनाया था उस समय कि लोग यहाँ से नौका विहार वगैरह तो उस समय करेंगे, और बहुत सी परियोजनाएं उनके टाइम में भी आई और उन्होंने सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय काम किया। एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार प्रवृत्ति के राम प्रकाश जी थे, और एक समाज में उनकी बहुत अच्छी छवि थी, आम जनता में बहुत अच्छी छवि थी। ऐसे राम प्रकाश जी गुप्त को मैं नमन करता हूँ, और हम अपने समाज से यही आग्रह करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने समाज में एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया, आज हमारी समाज उनके आदर्शों को चल करके एक अच्छा कार्य करें और आगे जो है अपने समाज को एक उन्नतशील समाज के रूप में बनाएं। मैं इन शब्दों के साथ एक बार पुनः उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।